अरब देशों में मची भगवद गीता की धूम। देख नकली कन्वर्टेड मुस्लिमों का सिर रहा घूम। क्यों एक्स मुस्लिम बन रहे हैं अरब के युवा। क्यों खाड़ी देशों में चल पड़ी है सनातन धर्म की हवा। आजकल भारत देश में एक तरफ ज्ञानवापी का मामला काफी जोर शोर से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों भगवद गीता की एक अरबी प्रति काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके साथ दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जारी की है। लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिख रहे हैं कि सऊदी अरब सरकार ने अरबी में भगवद गीता रिलीज की। यहाँ तो वंदे मातरम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, तो क्या यह सच है? क्या वाकई सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में भगवद गीता जारी की है? क्या वाकई सऊदी अरब के युवा अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं? आखिर इन तस्वीरों में भगवद गीता हाथ में लिए हुए यह लोग कौन हैं? सऊदी अरब में एक्स मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसी समय ऐसी खबरों का आना क्या इस ओर इशारा करता है कि सऊदी अरब में हिंदू धर्म बढ़ रहा है? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सऊदी अरब अब वापस हिंदू धर्म की ओर लौट रहा है? आखिर क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? क्या है सऊदी अरब का इस कौन से वो संबंध? आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब में छाई भगवद गीता? सब जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यकीन मानिए कि अगर आज का यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप भी चौंक उठेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, अच्छा लगता है। अरब देशों में तेल के भंडार जैसे जैसे घटते जा रहे हैं, वैसे वैसे अरब देश कट्टरता छोड़ उदारवादी रवैया अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह यह बात समझ आ गई है कि केवल इस्लाम के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। और इसीलिए अरब देश अब फूड बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विदेशी निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब हमने ये तस्वीरें देखी तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हमने इस पर काफी ज्यादा अच्छे से रिसर्च की, गूगल से लेकर कई वेबसाइटें छान मारी, परंतु अरब सरकार द्वारा ऑफिशियली भगवद गीता का अरबी संस्करण जारी करने के संबंध में कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, अर्थात यदि धुआं दिखाई दे रहा है तो आग अवश्य ही कहीं ना कहीं आसपास जरूर होगी। इसलिए हमने थोड़ी और रिसर्च की और इसके बाद जो हमें पता चला वह बेहद हैरान कर देने वाला था। दरअसल ये लोग जो आपको भगवद गीता हाथ में लिए हुए दिख रहे हैं, ये सऊदी अरब के ही लोग हैं और ये असली अरबी भगवद गीता ही है। और भगवद गीता को हाथ में पकड़े युवाओं की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर वो कितने खुश हैं। थोड़ा और ढूंढने पर हमें यह वीडियो मिला जो इस्कॉन के आधिकारिक चैनल हरे कृष्ण टीवी का है। इस वीडियो में बताया गया है कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित भगवद गीता यथारूप का अरबी अनुवाद और प्रकाशन श्री सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अरबी भाषा में अनुवाद और तात्पर्य सहित प्रकाशन श्री प्रभुपाद के शिष्य श्रीमान सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। और इस्कॉन द्वारा जारी की गई इस भगवद गीता की प्रति ने ही सऊदी अरब जैसे देशों में धमाल मचा रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवद गीता के जरिए ही इस्कॉन विदेशों में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। आज पूरा विश्व यदि सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसमें इस्कॉन की सबसे बड़ी और मूलभूत भूमिका है। शायद इसीलिए इस्कॉन अब तक 20 से अधिक भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद प्रकाशित कर चुका है। और जिस तरह भगवद गीता यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है, उसी तरह खाड़ी देशों में भी यह भगवद गीता काफी लोकप्रिय हो रही है। वहाँ के लोग हिंदू धर्म को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए भगवद गीता का अरबी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि भगवद गीता का अरबी संस्करण
सऊदी अरब सहित तमाम खाड़ी देशों में इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि इसकी 15 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। जी हाँ, अरब देशों में भगवद गीता इस कदर लोकप्रिय हो चुकी है कि लोग हैरान हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश जो कि इस्लाम को लेकर काफी ज्यादा कट्टर हैं, वहाँ भगवद गीता का लोकप्रिय होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह बताते चलें कि अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवद गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है, और इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा उत्साहित है और तरह तरह की पोस्ट और कमेंट्स कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवद गीता ही वह वजह है जिसको पढ़कर अरब के मुस्लिम यह समझ पा रहे हैं कि असली धर्म कौन सा, इसीलिए वह एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। दोस्तों, भगवद गीता का अरबी अनुवाद सर्वप्रथम 19वीं सदी में हारून रशीद बगदादी ने किया था, और बाद में उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया था। इसी तरह मोहम्मद मेहरुल्लाह नामक व्यक्ति ने भगवद गीता का पहला उर्दू अनुवाद किया था, और इन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर कार्यरत ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स बिलिंग्स ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, और इन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि एक दिन दुनिया में केवल और केवल हिंदू धर्म ही बचेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हिब्रू भाषा में अनुवाद करने वाला एक इजरायली व्यक्ति था जिसका नाम था बेजासिशन ले फना, और इसने भी भारत आकर हिंदू धर्म अपना लिया था। पूरी दुनिया में आज तक 283 विद्वानों ने भगवद गीता का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया, जिनमें से 58 बंगाली, 44 अंग्रेजी, 12 जर्मन, 4 रूसी, 13 स्पेनिश और 8 अरबी विद्वान है। और इन सब में दिलचस्प बात यह है कि इन सभी ने भगवद गीता का अनुवाद करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया। अब जरा इसी का दूसरा पहलू देख लीजिए। कुरान का बंगाली भाषा में अनुवाद गिरीश चंद्र सेन ने किया था। कुरान का तेलुगु भाषा में अनुवाद रमेश लकेश वरोका ने किया। सत्यदेव वर्मा ने कुरान का संस्कृत में अनुवाद किया। इसी तरह कई और गैर मुस्लिमों ने कुरान का अनुवाद किया, परंतु इनमें से एक ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, भगवद गीता का अरबी संस्करण सऊदी सरकार ने भले ही जारी नहीं किया है, परंतु अरब देशों में भगवद गीता की 15 करोड़ प्रतियां खरीदी जाना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अरब देश भी अब धीरे धीरे सनातन की ओर लौट रहे हैं। दोस्तों, अरब देशों में जो मुस्लिम हैं वह सनातन धर्म नहीं अपना सकते, क्योंकि इन देशों में ऐसा कानून है कि इस्लाम छोड़कर अगर कोई अन्य धर्म को अपनाता है तो वह एक क्रिमिनल हो जाता है, इसके लिए उसको सजा भी दी जा सकती है। इसीलिए हो यह रहा है कि अरबी मुस्लिम सनातन धर्म तो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण यह है कि वह अब सच्चाई समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि इस धरती पर असली धर्म कौन सा है। तो दोस्तों, सऊदी अरब में भगवद गीता का लोकप्रिय होना क्या बताता है? आपकी राय क्या इस पर? सऊदी अरब में हिंदू धर्म के बारे में या इस्कॉन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।